अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? हमने लास्ट टाइम क्या काम किया था उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। हमने किया था लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक ओपन नहीं हुआ। जी, ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, ये हमने इसकी होमवर्क भी बनाना है। गैलरी हमने बना ली थी, गैलरी में हमने पिक्चर्स अपलोड कर ली है। कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस और रजिस्ट्रेशन अभी हो गया हमारा कंप्लीट। आज हमने थोड़ा सा काम करना है, ये वाला जो है हमारा गैलरी के अंदर और ये होम इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर एक चीज़ हमारी थोड़ी मिस्टेक है, उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। वो है हमारा स्लाइडर, कि स्लाइडर को हम इसके अंदर कैसे बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपने होम को ओपन करते हैं अपने सब लाइन के अंदर, ठीक है, और फिर हम स्लाइडर बनाना भी सीखेंगे और इसको ऐड करना भी सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने होम को इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास होम आ चुका है, हमने काम किधर तक किया, ये होम गैलरी और ये न्यूज़ तक हमने, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट तक इसका काम कर लिया था। मरकी चला लिया इसका, ये टेबल है। टेबल के बाद हम इसके अंदर एक ऐड करते हैं, और टेबल टेबल के अंदर टी आर, टी आर के अंदर हम टी डी, ये वाला हम इसमें ओपन करते हैं। ठीक है, और टेबल की हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं हम इसको 2 का, हमारा वैसे बॉर्डर 2 का ही चल रहा है, और हम बॉर्डर कलर इसको कर देते हैं जो हमें सब में कलर किया हुआ, ये वाला, ये कलर हम क्या कहते हैं इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा बॉर्डर कलर कुछ चेंज ना हो। इसको हम सेव करते हैं, फिर सेव करने के बाद आगे देखते हैं हमारी गैलरी के अंदर क्या तब्दीली है। ये देखें, ये वाला हमारे एक बन चुका है टेबल, ये हमारा टेबल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से और इसके आगे कंटिन्यू करना है। अब हमने करना क्या है, इसको बिल्कुल इसका एलिजन है वो सेंटर में लेके जाना है, और इसकी हमने एक विड्थ करनी है 990 तक, और इसकी हमने एक हाइट भी दे देनी है। और हाइट इसकी हम कितनी देंगे, इसकी हाइट हम दे देते हैं 400, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम आके इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्लाइडर बन चुका है, क्या एरिया बन चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा करते हैं इसको 300 तक रहने दें, 300 तक नहीं, हम इसको 350 तक ले जाते हैं, और फिर यहाँ पे आके देखते हैं। ये हमारे पास आ चुका है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं स्लाइडर का। हम यहाँ पे स्लाइडर चलाएंगे, कोई भी एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं तो वो इसके अंदर हम चलाएंगे। इसका एक एलिजन देते हैं, एलिजन बिल्कुल सेंटर देंगे, ताकि ये सारा काम हमारा इसका बिल्कुल सेंटर में। ठीक है स्टूडेंट, इसका बीजी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई सा भी इसके बीजी कलर मैं कह देता हूँ, बीजी कलर हम दे देते हैं लाइट ब्राउन। ठीक है, हम लाइट ब्राउन इसका कलर दे देते हैं, और ये देखें, ये इसने अपने से कोई कलर बना दिया। चले, ये ठीक हो गया। अब ये हमारे गैलरी के अंदर मौजूद नहीं है, ये अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस और किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इसको सबके अंदर ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं। आज हम अपनी गैलरी के उसके अंदर ओपन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, और होम के अंदर जाके ये वाला टेबल हमने यहाँ से क्रिएट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको कॉपी करते हैं, और फिर इसके अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये वाला हमारा मौजूद है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, फिर आके देखते हैं इसके अंदर गैलरी के अंदर भी ये बन चुका है कि नहीं। ये गैलरी के अंदर भी बन चुका है। फिर अब हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर इसको बनाना है, ये वाला फॉर्म हम अब रजिस्ट्रेशन के अंदर भी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। क्या स्टूडेंट, हमने बिल्कुल स्लाइडर के लिए ऐसे ही जगह इसकी बनानी है, इससे और जगह नहीं बनानी हमने। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ भी बन चुका है कॉन्टेक्टस और अबाउटस का। अभी हमने फॉर्म बनाना है, ऐसे करते हैं कॉन्टेक्टस को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और ये हमारा जो है अबाउट अस, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जी स्टूडेंट,
मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ होम वाले को, कॉन्टेक्ट अस के अंदर और अबाउट अस के अंदर सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने वैसे बेसिकली काम तो इसी के अंदर करना है, इसके अंदर भी सेव हो चुका है, इसके अंदर भी सेव हो चुका है। और फिर हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी अब बन चुके हैं। ये हमारा होम था, ये हमारी गैलरी, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और ये हमारा अबाउट अस आ गया, ठीक है, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। ये हमारा स्लाइडर वाला हिस्सा भी आ चुका है, और ये वेबसाइट का हमारा ये फ्रंट वाला आ गया है, हेड आ गया, ये टेल आ, और ये आखिर में इसके एक और चीज़ होती है, वो होती है इसकी फुटर एरिया, जो हमने किसी के अंदर भी ऐड नहीं किया, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सबसे आखिर में जाके, ठीक है। स्टूडेंट आपको ये चीज़ें कंप्लीट जब होगी फिर ही आप हर चीज़ को मैनेज कर पाओगे। ये टेबल का टैग लगाते हैं, टी आर का टैग लगाते हैं, फिर टी डी का टैग लगाते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और मैं इसको क्या कह देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ फुटर एट, इसको हम सेव करते हैं। फिर आके किस ने ये काम होम के अंदर किया, तो ये होम ही है हमारा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा फुटर का एरिया आ चुका है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको हम बॉर्डर देते हैं का, और बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर कलर इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन, ऐसा भी आप दे सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर दिया चुका है। अब इसका हमने करना क्या है, इसकी हमने सबसे पहले यहाँ पे आके हम इसका एलिजन लगाएंगे, और एलिजन इसको कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। अब देखते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है कि नहीं, यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तक ये सेंटर में नहीं आया, ये सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी बॉर्डर के अंदर कोई भी काम टेबल के अंदर काम नहीं किया। हम इसकी विड्थ करते हैं सबसे पहले 990, इतनी हम ऊपर लेके चल रहे हैं, और इसकी एक हाइट कर लेते हैं, हाइट हम 200 कर लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। फिर देखते हैं कि ये सेंटर में आया कि नहीं आया। जी ये देखिए ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, अभी तक ये सेंटर में नहीं आया, इसके लिए हम कहते हैं कि इसको एलिजन को सेंटर में लेके जाए, ठीक है। ये अब एलिजन सेंटर में आ गया, ये फुटर एरिया तो बहुत ज़्यादा है, हम इसकी हाइट 200 की बजाय 100 कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे आके सेव करते हैं। ये भी अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं इसकी 50 तक कर देते हैं इसकी हाइट, ताकि इससे ज़्यादा ना हो। जी ये काफ़ी है यहाँ पे। अब हमने ये सारा काम गैलरी के अंदर भी करना है। हम ऐसे करते हैं कि फुटर वाला एरिया यहाँ से टेबल को लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और फिर ये गैलरी के अंदर जाते हैं। जैसे गैलरी जहाँ पे भी इसका टेबल एंड होगा, हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर, सेम लाइक काम वर्ग जो होगा ये हम रजिस्ट्रेशन के अंदर करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन आ गया, फिर ये कॉन्टेक्ट अस के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये वाला हिस्सा, ये जो बॉडी का यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमें नहीं सॉरी, ये वाला HTML का लेके यहाँ से, ये वाली हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है कॉन्टेक्ट अस यहाँ तक, हाँ ये हमें रिमूव करना और सेव करना है। फिर ये टेबल के पास आके हमें पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। अबाउट अस के अंदर देखते हैं आखिर में, ये आखिर के अंदर भी हमने यही गलती की, क्योंकि हमने आगे ऊपर उसको वैसे ही पेस्ट कर दिया था। ये वाला यहाँ तक तो रिमूव करेंगे और ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आके अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो चुकी। ये हमारा होम है, ठीक है, ये हमारी गैलरी बन चुकी है, ठीक है, इसका फुटर एरिया भी आ चुका है, ये कॉन्टेक्टर्स का हमारा फुटर एरिया कंप्लीट है, ये हमारा बाउटर्स का कंप्लीट है, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट है। अभी तक हमने होम, ये गैलरी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए, कल इंशाल्लाह हम ये होम वाला एरिया है ये वाला कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कंटेंट देंगे हम अपना,
है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसी लेक्चर में आपको कुछ कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।